मैं फिर केस हार जाऊंगा। तो अब 24 घंटे सोना बर्तन मारता, डिफिकल्ट सिचुएशन है मेरी। दोस्तों सुबह सुबह वाइफ ने उठा दिया है, सब्जी लेके आनी है पूरी वीक की, तो चलते हैं अब सब्जी मंडी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बगिया में गुलाब का फूल मस्त सा लग रहा है जो अभी अभी हुआ है, आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो पहुंच गए मंडी। तो सब्जी लेके आ गए, अब करते हैं पहले सैनिटाइज वगैरह। दोस्तों मैंने अभी ना बाइक धोई है तो वो गीली हो रखी है, तो मैंने कहा जरा मैं कपड़ा मार के आ जाता हूँ, उस पर नहीं तो दाग रह जाते हैं ना टैंक पे, उस पर निशान रह जाते। तो मैडम जी कह रही है अगर तुमने उसमें जाके कपड़ा मारा तो शाम को तुम जितने भी बर्तन है ना वो भी साफ करोगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा डस्टिंग तुम करोगे। अरे तुमने बर्तन बोलता, ये मैं फिर केस हार जाऊंगा क्योंकि ये कैमरे के आगे मुकर गई। ये होता है, ये होता है पति के साथ हमेशा यही होता है, डस्टिंग मतलब वाह, मतलब मैं डस्टिंग करूँ क्यों करूँ। ये तो लॉकडाउन ने हम लोगों को इतना बांध के रखा हुआ, हम कहीं भाग भी नहीं सकते, रहना तो हमें यही है तो करना पड़ता है। क्या कर रहे हो? साहब आराम कर रहे हैं, आराम भी ना करें हम लोग। बोर हो रहे हो? नहीं मैं बोर कहाँ हो रहा हूँ, घर पे रहेंगे तो आराम तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा भाई, इंसान है थोड़ा बहुत तो आराम करेंगे। अब 24 घंटे तो ना बर्तन मारता रहूंगा मैं, अब समझ सकते हो मेरी फीलिंग। और हाँ दोस्तों मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही बोलूंगा बोर हो रहा हूँ तो काम एकदम से रेडी रहेगा दूसरा, कि आओ वो काम रेडी है आ जाओ शुरू कर दो करना। बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है मेरी। दोस्तों आप लोगों की वाइफ भी ऐसी कुछ करती है, देखो कैसे भाग रही है। देखो हमको क्या कहते हैं दोस्तों, गैस वैस होती है हमारे पेट में कुछ, हम तो हम करते हैं करते ना, आप लोग भी करते हो, ये सब करते हैं। हमारी मैडम करती है, कहती है तो कहती है कहती है कि ना तुम लोगों तो बेशरम हो, तुम लोगों को ना तो कोई स्टैंडर्ड है ना कुछ है, तुम लोग अनएजुकेटेड लोग हो, तुम्हें ऐसे कौन डर लेता है, तसल्ली से लेनी चाहिए। मैंने कहा तो सिटी मैनेजर जरूरी है, सिटी मैनेजर से कौन सी डकार निकलती है, नॉर्मल लोग या तो करो तो, ऐसे कहते हम दे लेते हैं अच्छी तरह डकार, पहाड़ी लोग ऐसे लेते हैं, जय उत्तराखंड। चलो दोस्तों अभी करते हैं घर पे एक्सरसाइज, और आज की हमारी एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी बैक की एक्सरसाइज, और आपको भी दिखाता हूँ टॉवल से हम बैक की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए आप लोग जिम बंद है तो हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो घर पे कर ही सकते हैं, चलो बैक की एक्सरसाइज करते हैं। आप भी देखिए थोड़े बहुत की टॉवल बैक वर्कआउट कंप्लीट होता है। यार एक काम कर दो, मेरे सिर की चप्पी कर दो, तेल मालिश कर दोगे? ध्यान दो उसमें सीरियल में एक सीरियल खत्म होता है दूसरा सीरियल शुरू जाता है। दोस्तों अब हम करते हैं चप्पी तेल मालिश, बहुत दिन हो गए तेल मालिश नहीं करी, तो हम करेंगे एलोए वीरा और नारियल तेल को मिक्स करके चप्पी चप्पी होगी। ये
काम के लिए तो ठीक है, बीवी बीवी लोग है ना, वो हमारे घर में कोई सिस्टर तो है नहीं जो करे, और गर्लफ्रेंड से हम ये करवाने नहीं देगी। मैं ढंग से कर कैसे करूँ? अरे मालिश करना, मारना नहीं है, गुस्सा गुस्सा नहीं निकालना, ढंग से करो, तसल्ली से, प्यार से करो, मौका चाहिए हर चीज़ में गुस्सा निकालने का। दोस्तों करते हैं फिर इस ब्लॉग का यही एंड, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में, तो जब तक इस दुखी पति को खुश कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस ब्लॉग को भी लाइक कर दीजिए। ओके गाइस, चलो दोस्तों मिलते हैं फिर जल्दी दूसरे ब्लॉग में, और जब तक टेक केयर योरसेल्फ, अपने छोटों का भी ख्याल करिए और बड़ों का भी, और बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिए। ओके गाइस, चलो बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड सी यू।